नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस लेक्चर में हम एक नई अरिथमेटिक के बारे में सीखेंगे जिसको मॉड्यूलर अरिथमेटिक कहते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक, इस मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देगी ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे। नंबर सिस्टम में ग्रुप के एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। यदि आप नंबर की बात करें तो हमने ये एग्जाम्पल देखे थे, याद करिए आप, हमने देखा था रियल नंबर्स एडिशन के साथ में ग्रुप बनाता है, ये इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप था। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये भी दिया था। कौन सा एग्जाम्पल? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आर स्टार का मल्टीप्लीकेशन के साथ में, जहां पर आर स्टार रियल नंबर में से हमने जीरो को निकाल दिया था, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ में ये भी एक इनफाइनाइट ग्रुप था, अबेलियन ग्रुप। ये सब नंबर सिस्टम के ग्रुप्स हैं। फिर हमने सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर भी ग्रुप बनाया था, पूर्णांकों के ऊपर हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी, ये भी इनफाइनाइट ग्रुप्स के एग्जांपल है। साथ में आपने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के साथ में, और कॉम्प्लेक्स नंबर में से यदि हम जीरो निकाल दें तो मल्टीप्लीकेशन के साथ में, ये भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स के एग्जाम्पल है। तो ये हमें नंबर सिस्टम में ग्रुप के एग्जाम्पल पहले भी देखे हुए। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, थोड़ा सोच रहा होगा, जैसे हमने नंबर एग्जाम्पल में फाइनाइट ग्रुप के भी एग्जाम्पल देखे। आपको यदि याद हो मेरे पिछले लेक्चर में तो मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला सेट कंसीडर किया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला सेट कंसीडर किया था और इसको भी मैंने ग्रुप बनाया था। तो ये फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल भी है नंबर सिस्टम में। पर मैं अभी मॉडर्न अर्थमेटिक में, जिसका बहुत यूज होता है कोडिंग थ्योरी में, कोडिंग थ्योरी का महत्व क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से। आपके जितने बैंकिंग सिस्टम हैं, जितने सिस्टम हैं जहां पर आप कोड यूज करते हैं, जहां सीक्रेसी और प्राइवेसी का मैटर है, वो सब के सब बेस्ड होते हैं कोडिंग थ्योरी पर। कोडिंग थ्योरी में हम पूर्णांकों का यूज तो करते हैं, पर हम पूर्णांकों की संख्या इनफाइनाइट है, तो हम इस सिस्टम को किसी तरह से फाइनाइट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और तब हम उसका कोडिंग थ्योरी में यूज करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी का नाम मॉड्यूलर अरिथमेटिक है। किस तरह से, तो पहले मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा एग्जांपल देकर, एक हल्के से एग्जांपल से, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा पर्पज क्या है कुछ कहने का मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, और किस सिस्टम की मैं बात करना चाहता हूं आपसे। तो कोडिंग थ्योरी में, मैं जैसे बोल रहा था आपसे, कोडिंग थ्योरी में इसका यूज होगा, और हम कोडिंग थ्योरी के रूप में नहीं देखें, हम इसे भी नंबर सिस्टम के रूप में देखते हैं, किस तरह से हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं, कुछ इस तरह से बात करते हैं हम इसमें। आप कोई नंबर मुझे दीजिए, जैसे मैंने ये नंबर लिया, लीजिए
एन इक्वल टू मैं 4 ले रहा हूं और ये मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स है। आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में -1, -12 सो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है 4 है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। मैं एक रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं इस सेट के ऊपर। मैंने रिलेशन आपको पहले लेक्चर में बताया था, हल्का सा एक झलक दिखाई थी आपको रिलेशन की। इस सेट के ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, उस रिलेशन को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन, वेयर ए एंड बी आर, सो ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहां पर ए और बी इंटीजर्स हैं। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन तब कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एन डिवाइड कर दे इनके डिफरेंस को। यदि एन दो इंटीजर्स के डिफरेंस को डिवाइड कर दे तो हम कहते हैं कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट हो गया मॉडुलो। इस ये रिलेशन डिफाइन किया मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एन को क्या लिया था, बोलिए 4, तो क्या ये सही है, इज इट ट्रू, क्या ये सही है 2 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 4 होगा, कब होगा ये, ऐसा यदि लिखा है सही कब होगा, ऊपर देखिए कब होगा, जब 4 इनके डिफरेंस को डिवाइड करें। बच्चा जानता है 4 डिवाइड नहीं करता है 2-3 को, क्योंकि 2-3-1 होता है और 4 उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 4 नहीं हो सकता, 2 और 3 इस रिलेशन से जुड़े हुए नहीं है। फिर आइए तो इससे कौन कौन जुड़े हैं भाई, देखें जैसा 2 से, इसके बारे में क्या आपकी राय है। अरे आप खुश हो गए होंगे इसको देखते ही, क्यों, क्योंकि 4 डिवाइड करता है 2-2 0 को, इसका मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट है 2 मॉडुलो 4। अब आपको हल्का सा आपको आइडिया मिलने लगा होगा कि मैं इसके बाद किसको लाना चाहता हूं। 2 कॉन्ग्रुएंट है यस 4 मॉडुलो 4, सही, नो, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 4 से, किसको डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंस को, 2 के बाद दूसरा नंबर जो काम आएगा वो कौन सा होगा, 6, 2+4, 6, और देखिए बिल्कुल सही है। यदि आप ध्यान से देखें, तो आपको पता चलेगा 4 डिवाइड करता है 2-6 को, 2-6 मींस -4 हो गया, -4 को 4 -1 टाइम्स डिवाइड करता है। अब आपको आभास हो गया होगा कि मैं अगला नंबर कौन सा लिख रहा हूं, कौन सा लिखूंगा अगला नंबर, यस ये देखिए, कुछ नहीं करना है, 6 इसमें 4 जोड़ा 10, फिर कौन सा लिख रहा हूं, आप फिर समझ गए, एंड सो ऑन। क्या पीछे जा सकते हैं, कहां गए थे हम, याद करिए कहां से स्टार्ट किया था हमने, फिर वही बात है 2+4, 6, 6-4 2 है, 2-4 क्या होगा बोलिए, -2, बिल्कुल सही, क्यों सही है, क्योंकि 4 डिवाइड करता है 2-2, 2-2 कितना हो गया 4 डिवाइड कर रहा है, फिर इसका डिफरेंस लिया -4, 4 फिर डिफरेंस लिया, इसमें से 4 घटाइए कितना मिलेगा -6, ये देखिए जैसा 2, देखिए 2 किससे इस रिलेशन में 2 किस किस नंबर से जुड़ा है, इस रिलेशन में 2 किस किस नंबर से जुड़ा है, देखिए ध्यान से 2 से जुड़ा है, 6 से, 10 से, 14 से, 18 से, चलते जाइए पीछे चलिए 2 से, -2 से, -6 से, -10 से, आगे जाती है पीछे भी जाती जाइए। तो आपने देखा 2 किससे जुड़ा है, तो ये क्लास बन गई, ये 2 से एसोसिएट होने वाली एक क्लास बना दी मैंने, इस क्लास को मैं नाम दूंगा, ऐसे लिखते हैं इस क्लास को, ये कई बुक में आपको ये क्लास लिखी की मिली ऐसे,
ये एक्चुअली सेट है, कितने इंटीजर्स को अपने अंदर समा के रखता है, टू था यस, सिक्स था यस, टेन था एंड सो ऑन, और कौन था याद करो, माइनस टू भी था, माइनस सिक्स भी था एंड सो ऑन, टू बार या टू, इसको इक्विवेलेंस क्लास भी कहते हैं इस रिलेशन की। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन के सापेक्ष में नंबर टू इन नंबर से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं नंबर टू को, जैसे आप एक क्लास होती है सिक्स क्लास है, सिक्स क्लास में आप एक मॉनिटर बनाते हैं, मॉनिटर क्या करता है बताइए, यदि प्रिंसिपल को उस क्लास को कोई जानकारी देनी है तो प्रिंसिपल ये तो भी पूरी क्लास को बुला ले, या प्रिंसिपल क्या करता है उसका एक मॉनिटर बुला लेता है, मॉनिटर को कोई मैसेज दिया, मॉनिटर पूरी क्लास को कन्वे कर देता है। इसका मतलब मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब मैं मॉनिटर से बात कर रहा हूं, इसका मतलब पूरी क्लास के सारे मेंबर से बात कर रहा हूं। ठीक वही बात यहां होगी, इस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए अब नंबर की तरह काम करेगा। कैसे मैं बताता हूं अभी थोड़ी समय की बात में कैसे काम करेगा, पहले इसको एग्जांपल को अच्छे से देखिए कैसे काम करेगा। मैंने बोला ये पूरी क्लास को केवल एक नंबर रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम मैंने टू बार रखा है। अब आप क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे मुझसे, सर इस रिलेशन में ये n इक्वल टू 4 इसमें जीरो को कौन सी क्लास रिप्रेजेंट करती है, जीरो किस क्लास को रिप्रेजेंट करता होगा, तो आपको आभास हो गया मैं क्या ट्रिक प्ले करूंगा। देखिए ध्यान से, जीरो ये तरीका है, बुक में आप डिफरेंट बुक पढ़ेंगे ये दोनों नोटेशन आपको मिलेंगे, कई जगह बोल्ड लेटर में भी लिखते हैं इनको, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस के सापेक्ष में इस रिलेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको पता चल गया कि जीरो को कौन करेगा। यदि आप थोड़ा सा सोचिए, जीरो याद करिए, फोर याद करिए, एट पीछे आइए, माइनस फोर माइनस एट, ये लीजिए ये पूरी क्लास को ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो। फिर आप मुझसे पूछेंगे वन को कौन रिप्रेजेंट करेगा भाई, फिर लीजिए मेरे को दिखाना आपके लिए, वन फोर का डिफरेंस रखना है केवल, फाइव नाइन पीछे, माइनस थ्री माइनस सेवन एंड सो ऑन, सबके बीच में फोर का डिफरेंस है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में फोर का डिफरेंस है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में फोर का डिफरेंस है, टू का मैंने कर दिया था आपको, थ्री देखिए कौन सी क्लास आएगी, यस थ्री में क्या आया, थ्री फिर सेवन फोर फिर इलेवन पीछे आइए, माइनस वन फिर पीछे आइए, माइनस फाइव माइनस वन माइनस फाइव माइनस नाइन, फोर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, चलिए देखिए फोर को, फोर एट यस ट्वेल्व पीछे आइए, जीरो माइनस फोर, अरे ये तो कुछ अनोखी बात हो गई, ये फोर वाली क्लास तो हमने कहीं और देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, कहां देखी, जरा आइए वापस देखिए, ये क्लास और ये क्लास सेम है, इसका रिप्रेजेंटेटिव तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका नाम था जीरो बार, इसका मतलब फोर बार और जीरो बार ये दोनों नंबर मेरे सिस्टम में सेम है, क्योंकि वो सेम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या फाइव बार बनाऊंगा तो क्या नई चीज आएगी, नहीं, देखिए क्या आएगा, फाइव बार बनाने पर नई चीज बिल्कुल नहीं आएगी, आप फाइव बार बनाएंगे तो क्या आएगा, फाइव नाइन पीछे चलेंगे तो वन, ये देखिए ये क्लास है, तो जरा गौर करिए अच्छी तरह से, ये क्लास कैसे, कितनी क्लास बनी है, अब क्लास रिपीट होनी शुरू हो गई, अब आपको नई क्लास नहीं मिलेगी, उसका कारण भी है क्यों नई क्लास नहीं मिलेगी, जीरो में कौन नंबर थे, वन में कौन था, टू में कौन था और थ्री में कौन था, जरा ध्यान से देखिए कोई नंबर छूटा नहीं है, सारे इंटीजर कवर हो गए, यदि मैं इसको 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 और इसको मिलाऊं तो मेरे इंटीजर की पूरी क्लास एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, तो ये खुद ही बता रहा है कि अब नई क्लास और नहीं बनने वाली है,
क्योंकि जो क्लास बनती है वो हमेशा डिस्टिंक्ट होती है और सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। और इसको देखने का दूसरा तरीका भी है, आप मॉडुलो फोर कह रहे हैं इसका मतलब फोर से डिवीजन ले रहे हैं डिफरेंस का, इसका मतलब फोर से किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स क्या बचते हैं बताइए, क्या शेषफल बचता है? किसी भी नंबर को आप फोर से डिवाइड करें तो शेषफल में कितने चांसेस हैं? या तो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो जीरो बचेगा, या तो वन बचेगा, या टू बचेगा, या थ्री बचेगा। किसी भी नंबर को उठाइए चार से डिवाइड करिए, केवल शेषफल के चार चांसेस हैं, ये और ये, और यही क्लास बना ली। तो मैंने एक नई क्लास बना दी, इसको हम लिखेंगे नए नोटेशन से जेड फोर। ये नया नोटेशन है मेरे लिए। इस क्लास के मेंबर कौन हैं? इस क्लास के मेंबर हैं थोड़े समय के बाद में हम बार हटाना भी बंद कर देंगे, हम 0, 1, 2, 3 कहेंगे। यहां 0, 1, 2, 3 याद रखिए बैक ऑफ द माइंड में, 0, 1, 2, 3 इंटीजर नहीं है, अब ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है याद करिए, जैसा आपके इंटीजर्स इनफाइनाइट थे, मैंने इन इनफाइनाइट इंटीजर्स को रिड्यूस कर दिया केवल चार क्लासेस में, जेट फोर में। जेट फाइव में 5 क्लासेस आएंगी, जेट टू में 2 क्लासेस आएंगी, और जेट टू का बहुत ज्यादा यूज होता है फील्ड थ्योरी में, जिसका आप कोडिंग में बहुत यूज करते हैं। केवल 2 क्लासेस बाइनरी 0, 1, 0, 1, 0 वाला सिस्टम बनाते हैं, इससे मैं कोड तैयार करता हूं। ये बात की बात है, हम कभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब इस चीज को बताएंगे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाहता हूं, जनरल सिस्टम में डिस्कवर कर सकता हूं इसको, मॉड्यूलर अरिथमेटिक का। जेड एन क्या होगा? जेड एन में कितनी क्लास होंगी बताइए? एन जहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या क्लास होगी? कहां तक जा रहे हैं? फोर में कहां तक जा रहे हैं? 0, 1, 2, 3 तक। फाइव में कहां तक जाते हैं आप? 0, 1, 2, 3, 4 तक। इसका मतलब इसमें क्लास में ये बनेंगे 0, 1, 2, 3 और कहां तक? n-1 तक। ये मेरा नया सिस्टम बनके तैयार हो गया, मॉड्यूलर सिस्टम बनके तैयार हो गया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, सर आपने नया सिस्टम तो बना दिया, ये नया सिस्टम हम क्या करें इस नए सिस्टम से, हमारे किस काम का है सर नया सिस्टम? सिस्टम नंबर सिस्टम तब तक अच्छा नहीं होता जब तक उस पर आप कुछ ऑपरेशंस डिफाइन ना करें, जब तक आप उनके साथ गेम ना खेल पाए, उनको उन दो को मिला ना पाए, दो को मिलाए तो एक नई चीज बनाई, क्या बनेगा देखें। जैसा मैं आपको दो ऑपरेशन दिखा रहा हूं इसमें डिफाइन करके, मैं इस चीज को टेबल पर दिखाऊंगा, या ध्यान से देखिए कौन सी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं। हम जेट थ्री लेते हैं, हम सिस्टम ले रहे हैं जेट थ्री, 0, 1 और 2। अब मेरा आप ना यदि आप चाहें तो इनको नंबर की तरह भी सोच सकते हैं, ये देखिए टेबल बना रहा हूं 0, 1, 2 और देखिए नया मैं एडिशन डिफाइन कर रहा हूं। यहां देखिए एडिशन का नाम क्या रखा मैंने, नया एडिशन डिफाइन कर रहा हूं, एडिशन मॉडुलो 4 डिफाइन कर रहा हूं, ये नया एडिशन है। क्या काम करता है एडिशन, कैसे डिफाइन किया जाता है मैं आपको समझाता हूं, देखिए समझ जाएंगे आप जल्दी से। 0 हम एडिशन का साइन केवल ऐसे रखते थे नंबर में, मैंने एक नया साइन दिया है 0, 0 कैसे जोड़ेंगे तो एक काम करिए 0 से 0 को जोड़िए और 4 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आता है वो आंसर लिखिए। तो 0 से 0 को जोड़ा 0 आया, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया 0, ये लीजिए। 0 को 1 से करिए, 0 से 1 को जोड़िए, 4 से डिवाइड करिए जो रिमाइंडर आएगा वो लिखिए। तो 0 को 1 से जोड़ा तो क्या आया 1, 4 से डिवाइड करिए रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ये देखिए बना गया। यही काम 2 के साथ करिए, यही काम यहां पर क्या आएगा, ये यहां ये आएगा 1, 1 को इस ऑपरेशन में 1 से जोड़िए तो
तो 1 प्लस 1 होता है 2, 4 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 2 होगा. 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 4 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए, ओ सॉरी इसको थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, ये ऑपरेशन मॉडुलो 3 की है, सॉरी 4 नहीं, मैंने मॉडुलो 3 में काम कर रहा हूं, Z3 में काम कर रहा हूं. 1 को 1 से जोड़िए 2, 2 को 3 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 2 होगा. 1 को 2 से जोड़िए इस ऑपरेशन में और 3 से डिवाइड करिए, क्या आया 1 प्लस 2 3 और 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 0. 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ फिर से बोलिए, 2 प्लस 1 हुआ 3 और 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0. 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1. ध्यान से देखिए मेरी इस टेबल को, आप क्या नोट कर रहे हैं इस टेबल में, आप क्या नोट कर रहे हैं इस टेबल में, 0 1 2 से बनी हुई टेबल है ये. और देखिए जैसे मैंने आपको ग्रुप टेबल बताई थी, याद करिए क्या बताया था ग्रुप टेबल में, कोई भी एलिमेंट रो में रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा है. इस एडिशन की, ये स्पेशल एडिशन है, ये स्पेशल एडिशन है. कैसा एडिशन डिफाइन किया मैंने, मैंने ये एडिशन डिफाइन किया इस सिस्टम में, Z3 में, इस सिस्टम में ये एडिशन को डिफाइन किया है. नया एडिशन है, परफेक्टली काम कर रहा है बड़े अच्छी तरीके से, ये ग्रुप की सारी बातों को फॉलो कर रहा है. और आश्चर्य की बात ये है कि ये जो सिस्टम बनाया है मैंने, ये सिस्टम वैसे देखा जाए, ये देखा जाए तो पूरे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, पर मैंने सारे इंटीजर्स को न लेके काम चला लिया केवल इन चीजों से. और हम बाद में देखेंगे कैसे यहां काम करके मैं उस चीज को ट्रांसफर कर सकता हूं जेड में. तो सारा इनफाइनाइट सिस्टम मैंने रिड्यूस कर दिया फाइनाइट सिस्टम में इस मॉडुलर अरिथमेटिक से. और ये देखिए नया एडिशन डिफाइन किया है, आप देखेंगे इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है. और कैसा ग्रुप है, नंबर सिस्टम का ग्रुप है, तो इंटरेस्टिंग बात है कम्यूटेटिव ग्रुप है, ये भी अबेलियन ग्रुप है और फाइनाइट है. इंटरेस्टिंग बात, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 एंड 3, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया है. अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आप पूछिए क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन जो मैं सोच रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने एडिशन डिफाइन किया इस सिस्टम में, क्या आप इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर सकते हैं. तो मैं करता हूं Z3 में करता हूं, जो आपने मुझसे या मैंने जो पूछा है और जो मैंने सोचा है कि आप भी पूछेंगे, मैं इसी टेबल को अब मल्टीप्लीकेशन के लिए डिफाइन करूं. कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही इसको समझने का मतलब हो गया आपने बहुत कुछ समझ लिया. ये लीजिए मल्टीप्लीकेशन, ये मैंने कैसे लिखा है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन मिलेंगे, उसकी चिंता मत करिए आप केवल समझिए कि हमने मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन किया. इसको कहते हैं मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन को, फिर से मैं गलत कर दे रहा हूं, यहां 3 में काम की, Z3 में काम कर रहा हूं, 3 का होता, इसको कहते हैं ये मॉड्यूलर एडिशन है और इसको कहते हैं मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन. कुछ नहीं करना, आपने मुझसे पूछा ये क्या होगा सर, ये क्या होगा सर, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करिए, 3 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिख दीजिए. 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 3 से डिवाइड किया, ये लीजिए. अब आप भर सकते हैं, पूरा सिस्टम भर गया, तैयार है. देखिए 0 से 0 को डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, 0 ही आएगा, रिमाइंडर यही आएगा. 0 से 1 को मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगा, रिमाइंडर यही आएगा. 0 से 2 को मल्टीप्लाई करिए, तो ये सब जगह तो भर गई. यहां पर क्या आया 1, यहां पर क्या आया 2, यहां पर क्या आया 2 और यहां पर क्या आया 1. ध्यान से देखिए क्या चीज मिस हो रही है. मैंने आपको कि नेसेसरी कंडीशन बताई थी, ग्रुप टेबल देख के बता सकते हैं ग्रुप बना कि नहीं बना, या संभावना है कि नहीं बनने की. ये किसी भी तरीके से ग्रुप नहीं बन सकता, इसमें पहला बेसिक हमारा रूल फेल कर गया. देखिए तो इस रो में एलिमेंट रिपीट हो गए, इस रो में एलिमेंट रिपीट हो गए,
तो जेट थ्री अनफॉर्चुनेटली क्या नहीं बन पाया, मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप नहीं बनेगा। तो आप कोई ट्रिक प्ले कर सकते हैं, कहां दिखी थी हमने वो ट्रिक, वापस आई, आर एडिशन में ग्रुप बनता था। मैंने आपसे बताया था कि आर मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप नहीं बनता, कौन प्रॉब्लम करता था, जीरो। तो क्यों ना हम इस जीरो को हटा दें, अब हम जेट थ्री में हम ये सिस्टम लें, स्टार मतलब क्या हटा दिया हमने, जेट थ्री में स्टार लिया मतलब क्या लिया, कौन सा लिया, वन और केवल टू लिए, जीरो हटा दिए, हटाइए तो जरा सा जीरो रखिए मत, ये वाली टेबल, ये वाला कॉलम हटा दीजिए, ये है ही नहीं। क्या मिला आपको बताइए, हाँ इंटरेस्टिंग, क्या मिला, वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, देखिए कोई रिपीट नहीं है। अब ये ग्रुप बन गया किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इज एन अबेलियन ग्रुप। पता ये नाम इसका, ये स्टैंडर्ड नाम नहीं है, आप अपना सिलेबस देखिए, इसका बड़ा अच्छा नाम दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है यू थ्री, आपके सिलेबस में इसका नाम यू थ्री दिया है। क्या काम किया मैंने बताता हूं, इस मैंने जीरो को हटा दिया, जीरो को क्यों हटाया मैंने बताइए, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स था ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स नहीं था, देखिए ना, वन का इनवर्स वन है, टू का इनवर्स टू है, हर एलिमेंट का इनवर्स है, जीरो का इनवर्स नहीं था। जिन एलिमेंट के इनवर्स होते हैं उनको यूनिट्स कहते हैं, इस सिस्टम में ये यूनिट्स हैं, यूनिट यूनिट, ये यूनिट को वन से मत कहिए, ये यूनिट का मतलब वन नहीं है, याद रखिए, इस यूनिट का मतलब वन नहीं है, इस यूनिट का मतलब है वो नंबर जिनके इनवर्स पॉसिबल है, वो नंबर जिनके इनवर्स संभव है, ये वो नंबर है जिनके इनवर्स संभव है, उनको यूनिट्स कहते हैं। तो आप देखिए जैसा, अब हम ये काम और इस मॉडल अर्थमेटिक का काम हम खत्म करते हैं केवल एक लास्ट एग्जांपल के साथ में, और आप समझ जाएंगे मैंने क्यों बोला यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट आए। चलिए जेट फोर लेते हैं, जेट फोर में क्या क्या होगा जल्दी से बताइए, जीरो वन टू और ये थ्री हुआ। देखिए फर्स्ट से टेबल बनाइए, ये आदत आपकी एक्सपर्ट हो जानी चाहिए, आप खटाखट टेबल खींचने में, ये मजा है ग्रुप थ्योरी पढ़ने का। जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, आप ध्यान से देखेंगे, घर में जाके देखिए, जेट फोर एडिशन मॉडुलो फोर के साथ में ग्रुप बनाता है, एडिशन के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ग्रुप बनता है, बड़ा बेहतरीन ग्रुप बनता है, प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लीकेशन के साथ में। मल्टीप्लीकेशन देखिए जैसा, मल्टीप्लीकेशन बहुत प्रॉब्लम वाला है, वही 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 प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो आई गई, इसका मतलब आपको पहले से पता है जीरो को तो हटा नहीं है आपको, वन टू थ्री, वन टू थ्री अच्छा लग रहा है, जरा यहां ये टू क्या गड़बड़ कर रहा है, टू वन टू होगा, टू टू फोर होता है, और फोर को फोर से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो को तो आना ही नहीं चाहिए था यहां पर, इसका मतलब ये टू भी कैंडिडेट नहीं है अच्छा, और यदि आप ध्यान से देखें तो टू का इनवर्स यहां है ही नहीं, टू को यदि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर टू आएगा, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर टू आएगा, इनवर्स होने का मतलब होता है टू को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रिमाइंडर वन आना चाहिए, आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये नॉन यूनिट है, नॉन यूनिट मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, जैसे इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं था, इसका मतलब मुझे जेट फोर में दो छोड़ने पड़े, जेट फोर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, जेट फोर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप तभी बनाएगा
जब उसमें से यूनिट हटा दूं, जिसको मैंने बोला इसे नाम मैं रखूंगा यू फोर, इसका मतलब इसमें केवल क्या होंगे, वन होगा और क्या होगा, थ्री होगा। अब ये ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन में। अब मुझे ये बताइए थोड़ी देर के लिए, आप ये बताइए, भूल जाइए इसको, मैं आपसे आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं, इसको भूल जाइए, अपने दिमाग से उठाइए। मैं आपसे ये पूछूं U6 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आप टेबल में बताइए प्लीज, टेबल में मत जाइए, Z6 में मत जाइए ना, Z6 को मत जाइए, मुझे बिना Z6 को देखे हुए बताइए U6 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ध्यान से देखिए, जैसा मैंने U2 में कौन से एलिमेंट थे, मैंने मिटा दिया यहां पर, मैंने यहां पर यू थ्री बनाया था, यू थ्री में कौन कौन था, यस वन और टू, यू फोर में कौन कौन है, वन और थ्री। जरा बताइए तो इन वन और टू का और वन और थ्री का, वन और टू का थ्री के साथ में क्या संबंध है और वन और थ्री का फोर के साथ में क्या संबंध है। तो ध्यान से देखिए संबंध क्या है, आप यदि ध्यान से देखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर थ्री और वन का वन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर थ्री और टू का, थ्री और टू का वन है। फिर से आइए यहां पर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फोर का या को प्राइम के लिए, फोर के जो को प्राइम है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखिए, जीरो वन टू थ्री में से फोर के को प्राइम कौन है, जिनके कौन कौन से हैं, वन है और थ्री है। फोर और टू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर टू होता है, अलाउड नहीं है, मुझे वो नंबर लेने हैं जिनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मॉडुलो वाले के साथ में वन हो। इसका मतलब यहां देखिए, आप U6 बना सकते हैं, U6 बनाने का मतलब है जीरो से लेकर फाइव तक वो नंबर बताइए जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिक्स के साथ वन है। तो आपको पता हो कौन कौन से नंबर है, वन, आगे टू नहीं होगा, टू और सिक्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर टू होता है, वन नहीं, थ्री नहीं होगा, थ्री और सिक्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर थ्री होता है, वन नहीं, फोर नहीं होगा, फोर और सिक्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर टू होता है, वन नहीं, फाइव होगा। इसमें भी दो ही एलिमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग, यू थ्री में भी दो ही एलिमेंट, यू फोर में भी दो ही एलिमेंट, यू सिक्स में भी दो ही, जितने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होंगे। अच्छा मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी नंबर के को प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, उसको उसको अर्थमेटिक में फाइलर एक फंक्शन से मेजर करते हैं, उसकी हमें भी जरूरत नहीं है। जरा प्राइम नंबर लेते हैं, U3 में आपने, वन और टू देखे सारे आ गए, जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जीरो को हम नहीं ले रहे। U5 में क्या होंगे, बिना सोचे हुए बोल सकते हैं आप, मैं लिखता हूं देखिए यहां पर, मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन वाले कौन से होंगे, जीरो को छोड़ दो, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा। ध्यान से देखिए, थ्री और फाइव दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर में क्या करिए, प्राइम नंबर में आप पहले से पता है कि U5 में के, U यदि कोई प्राइम नंबर है, UP, P यदि कोई प्राइम नंबर है, मैं एक झटके में निकाल दूंगा सारे एलिमेंट UP के, यदि P प्राइम नंबर है क्या होंगे, सिंपल पता है मुझे, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और कहां तक होगा, P माइनस वन तक होगा, खत्म। ये नया ग्रुप जो आपने मल्टीप्लीकेशन बनाया है उसको जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने दिख रहा है, इसको यूनिट्स का ग्रुप कहते हैं, यूनिट्स का ग्रुप, इसीलिए यू नाम पड़ा है, यूनिट मैंने डिफाइन किए थे, यूनिट यूनिट मैंने जिनका इनवर्स पॉसिबल है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक में वो नंबर जिनका इनवर्स पॉसिबल है उनसे बना हुआ, तो यू इस यूनिट से आया है, और यूनिट का मतलब वन नहीं है, याद रखिएगा हमेशा, यूनिट का मतलब वो नंबर जो उस सिस्टम में इन्वर्टिबल है, जिनका इनवर्स पॉसिबल है। तो ये हमारा, इसका मतलब आपने ये चीज देख ली, क्या देख लिया, देखिए ध्यान से यहां पर मैं इसको समराइज कर देता हूं आपको। एक बार आपने आज एक नए सिस्टम के बारे में सीखा है और नए सिस्टम को आपने ग्रुप भी बना दिया, जेड एन जीरो वन टू थ्री एन माइनस वन, मैंने आपको ये बताया आज, जेड एन
विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एन, ये अबेलियन ग्रुप है ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट ग्रुप है ये। कितने एलिमेंट है इसमें ध्यान से देखिए, जेडन इस ग्रुप में करेक्ट कितने नंबर हैं, एन है, एन एलिमेंट का ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में। और अभी आपने देखा जेडन जनरली मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाता, जीरो को तो निकालना ही पड़ता है, तो उसकी जगह हमने लिखा था यू एन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। यूएन में कौन से एलिमेंट होंगे, हा क्या बोला, यूएन में कौन से एलिमेंट हैं, यूएन में वो सारे एलिमेंट होंगे एम, सच दैट एन और एम, एन और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स जी सी डी कितना हो, वन हो, वो सारे नंबर लेने हैं, वो सारे नंबर आएंगे जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एन के साथ में वन है, और नेचुरली ये वो नंबर होंगे जिसमें एम लेस देन एन होगा। ये दोनों ग्रुप हैं और दोनों इंटरेस्टिंग ग्रुप हैं। ये अर्थमेटिक का ग्रुप है जेड एन एडिशन के रिस्पेक्ट में, और वो है आपके मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाया है। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये भी नंबर सिस्टम है, इस नंबर से इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में हमने नए नंबर्स को डिफाइन किया है किसी तरह से, ये नए नंबर्स पूर्णांकों से ही आए हैं, पर ये अब आप इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे, पूर्णांक का सेट तो बहुत बड़ा था, इनफाइनाइट था, मैंने सेट को रिड्यूस कर दिया। इसकी एप्लीकेशन आप देखेंगे, हम धीरे धीरे ग्रुप थ्योरी को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम इसकी एप्लीकेशन बताएंगे आपको कि इन ग्रुप में और भी खासियत होती है। हम अभी साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा, वृत्ति ग्रुप कहते हैं इनको, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं। सो हमने इस लेक्चर में अभी तक क्या सीखा, हमने इस लेक्चर में एक तो नया सिस्टम सीखा, नंबर सिस्टम। हमने उस नंबर सिस्टम को, नए सिस्टम को बनाया, उस नए नंबर सिस्टम में हमने कुछ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की और हमने ग्रुप के स्ट्रक्चर को जन्म दिया उन सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और बड़े इंटरेस्टिंग दो ग्रुप बनाए। एक तो ग्रुप था एडिशन के रिस्पेक्ट में और एक हमने बनाया था यूनिट्स से बना हुआ, यू एन जो लिखा था, यूनिट्स का ग्रुप बनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्रुप बनाया था। अब जब हम आ रहे हैं थोड़ा सा अब हम अपने इस चरण के लेक्चर, हम अब सबसे लास्ट बात जो करने जा रहे हैं वो है साइक्लिक ग्रुप की। वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल देख के आपको क्या लग रहा है, देखिए जैसा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये एग्जाम्पल हमने किया हुआ है। इस एग्जाम्पल में आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये ग्रुप बना था मल्टीप्लिकेशन में, आपने देखा था ये एस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप था। यदि आप ध्यान से देखें तो मैं इस पूरे ग्रुप को एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर सकता हूं, जैसे ओमेगा को उठाइए, ओमेगा को फिर से ओमेगा से मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा को तीन बार मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा क्यूब वन आ गया। ये देखिए ये नोटेशन है, ओमेगा ने इस ग्रुप को जनरेट कर दिया, इस नंबर ने। ऐसे ग्रुप जो उस ग्रुप के किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये, जरूरी नहीं कि केवल एक ही एलिमेंट उस ग्रुप का उसको जनरेट कर रहा हूं, एक से ज्यादा एलिमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ओमेगा स्क्वायर से देखें जनरेटर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से फिर ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब हुआ और ओमेगा फोर हुआ, ओमेगा फोर होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ओमेगा, और फिर ओमेगा स्क्वायर किया थ्री टाइम्स तो क्या आया ओमेगा सिक्स, ओमेगा सिक्स तो होता है वन। ये काम नहीं करेगा, वन को आप कितने बार मल्टीप्लाई करिए हर बार आपको वन आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं आएंगे।
इसका मतलब ये ग्रुप इन दो एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। तो ये ऐसे ग्रुप को आप साइकिल ग्रुप कहते हैं। तो हम इसकी पहले आपको इसकी परिभाषा दे दें। एनी ग्रुप, सॉरी, ए ग्रुप जी, ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप। ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट, एक अस्तित्व, एन एलिमेंट G belonging to G such that G generate, generate का मतलब ये समझिए सारे मल्टीप्लीकेशन ले लिए, G के बराबर आ जाए। ये G इस पूरे G को generate कर दे, जैसे यहां किया था हमने। जनरेट का मतलब समझिए क्या, G को generate करने का मतलब क्या होता है, इसको समझिए अच्छी तरह से। G से G को मल्टीप्लाई करते चलिए, हर बार नई चीज आती जाएगी। यदि फाइनाइट ग्रुप होगा तो एक एक, एक समय जाने के बाद आप रुक जाएंगे, इनफाइनाइट होगा तो चलते जाएंगे। तो हम एग्जांपल देखें साइकिल, ये साइकिल ग्रुप का एग्जांपल था, ये साइकिल ग्रुप का एग्जांपल है। क्या हर ग्रुप साइक्लिक होगा? क्या हर ग्रुप साइक्लिक होगा? नहीं, हर ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। जैसे आप चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, हाँ बोलिए क्या चेक कर सकते हैं, आर स्टार को आपने मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाया था। आप जरा ध्यान से देखिए, ऐसा कोई रियल नंबर ढूंढ के ला सकते हैं आप जो इस ग्रुप को जनरेट कर दे? बिल्कुल संभव नहीं है। ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, नॉन, कोई एलिमेंट नहीं है इसके पास में जिसको मैं बार बार मल्टीप्लाई करूं और मुझे पूरा का पूरा आर स्टार रिकवर हो जाए, मिल जाए, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। जरा इसको देखिए, तो इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं प्लस के साथ में साइक्लिक ग्रुप है। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, क्या हिंट है आपके लिए, वन को उठाइए और वन से जनरेट करिए। कैसे जनरेट करेंगे, वन से किस तरह से जनरेट करेंगे, वन से सारे एडिशन लेते जाइए और सारे सारे डिफरेंसेस भी लेते जाइए और देखिए आपको क्या मिलेगा। एन से मतलब मेरा यहां पर ये है, जरा ध्यान से देखिए, एन वन, जहां एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो साइक्लिक ग्रुप लिखने का तरीका ये है, सिंपल सा तरीका, जी इसमें वो सारे जी एन आएंगे जहां एन बिलोंग करता है किसको, जेड को, इसको कहते हैं जी से जनरेट हुआ। तो ये जी यदि जी के बराबर हो गया तो आपका ग्रुप साइक्लिक हो गया। यहां देखिए ये n1 लिखा है, इसका मतलब 1 को मैंने n टाइम्स जोड़ा है। तो यदि ये n, मान लीजिए माइनस फाइव वन है, माइनस फाइव वन का मतलब है माइनस बाहर कर दीजिए, 1 को 5 बार जोड़िए, आंसर आएगा माइनस फाइव। यदि मैं लिख रहा हूं 4 इंटू वन, इसका मतलब 1 को 4 बार जोड़िए, आंसर आएगा 4। समझ में आया आपको? हम इसी से अपनी अगली चर्चा फिर से स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी पर, राइट? और आपको तब भी कोई भी, जब आपको दिक्कत हो, जब भी कोई आपको दिक्कत हो, आप हमेशा इस मेल एड्रेस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, sanjpant@gmail.com।